कांदे डिशेस के तो लास्ट क्लास में सब आते हैं। सीआरओ डिस्कस कर लिया था आपसे लास्ट क्लास में, सब कहां तक डिस्कस किया था आपने? मैसेज करे मुझे सर, सीआरओ कर लिया था और सीआरओ के पास पेपर भी कर लिया था। नहीं, मेरा लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या ये पे मैसेज कर दो जूम पे। सीआरओ करवाए थे मैंने लास्ट क्लास के अंदर, सही यहाँ तक करा दिया था। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? पहले ये बताइए। आर यू हियरिंग मी? जी वोल्टेज पता चलता था वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से पता चलता था टाइम बेस साइकिल। यहाँ तक आपने डिस्कस किया था मेरे साथ। आज की क्लास में एक और सब टॉपिक करेंगे इसी टॉपिक का, वो कहलाता है आपके पास कैलिब्रेशन कर्व। क्या कहलाता है आपके पास? कैलिब्रेशन कर्व। लिखो स्पेलिंग CALIBRATION, कैलिब्रेशन कर्व। जी जो आपके पास शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व आपके पास एक्चुअल में क्या चीज होती है? आपने मैथ्स के अंदर दो रिलेशन पढ़े होते थे, एक होता था आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, मैथ्स में भी पढ़े थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज की कम करने से दूसरी चीज कम होगी, इसको बोलते थे, इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। जो दिया कि लिया शामी के पास लेकिन फिजिक्स में कुछ कर्व ऐसे होते हैं
डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करते। जैसे सबसे पहले मैं कर्व दिखा रहा हूँ, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको मैं कर्व नहीं कह सकता। दिस इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन बढ़ रही है, ये आपके पास ग्राफ है लोड एक्सटेंशन ग्राफ का। अगर आप किसी स्प्रिंग के साथ किसी मास को अटैच करते हैं तो एज यू इंक्रीज मास एक्सटेंशन विल इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। When no mass is attached with the spring, extension is zero. But as the number of masses will increase or mass in gram will increase, so we have to observe the extension in the y will increase. This is graph se show ra hai. Right? 2 kg ke upar aapke paas jo extension hai, approximate show ho rahi hai, wo show ho rahi hai aapke paas 20, nahi 40 show ho rahi hai. तो 4 के ऊपर कितनी शो हो रही है आपके पास, 4 के ऊपर शो हो रही है 60। इसका मतलब होगा हर 2 मास, अगर 2 केजी मास को इंक्रीज करते हैं आप तो एक्सटेंशन जो होगी वो आपके पास यूनिफॉर्म यूनिट से बढ़ती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इन ग्राफ को बोलते थे लीनियर ग्राफ, चाहे वो डायरेक्टली का हो या आपके पास डिक्रीजिंग ग्रेडिएंट का हो, ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। मगर इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है। एक चीज का नाम सुना था आपने, आपके पास टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर का बढ़ाते चले जाओगे आप देखोगे रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल डिक्रीज, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन मगर डिक्रीजिंग ग्रेडिएंट, दिस इज आल्सो नॉट कॉल्ड कर्व। जो पहले डायग्राम दिखाई थी वो भी आपके पास लीनियर ग्राफ है, ये भी आपके पास लीनियर ग्राफ है, ये दोनों लीनियर ग्राफ है। यस अगर आप कैलिब्रेशन कर्व की बात करोगे तो कैलिब्रेशन कर्व के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बल्कि कर्व बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा आपके पास, कर्व। तो पहले ये दो ग्राफ बनाओ, एक आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? This is the graph of directly proportional. ये जो ग्राफ है ये आपके पास किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है। क्या कहलाएगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम इसको बोलते थे लीनियर ग्राफ। क्या कहते थे आपके पास, लीनियर ग्राफ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर ग्राफ, ये भी लीनियर ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसका ग्रेडिएंट पॉजिटिव है, इसका ग्रेडिएंट क्या आपके पास नेगेटिव। अभी तक मैं कैलिब्रेशन कर्व तक मैं पहुंचे ही नहीं हूँ। कैलिब्रेशन कर्व स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होने से कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये जो पहले वाली एग्जाम्पल है उसको बोलते थे लोड एक्सटेंशन ग्राफ। इसका ग्राफ है आपके पास, ये लोड एक्सटेंशन ग्राफ, लोड एक्सटेंशन ग्राफ, जो आपने ओलिवेशन पढ़ा था। ये क्या लगता था आपके पास, थर्मिस्टर का ग्राफ। इसके ग्राफ क्या लगता था, थर्मिस्टर। इसका आपने ओलिवेशन का नाम सुना था, इसको बोलते थे टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर। क्या कहलाता था आपके पास, ये टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर। इसके अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। बनाओ इनको या बड़ा कर दो थोड़ा।
नजर आ रहा है, ये देखो, इक्वल टेम्परेचर वाई एक्सिस के ऊपर और टेम्परेचर एक्स एक्सिस के ऊपर है, रेजिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर है, मगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, और दूसरा ग्राफ जो था वो लोड वर्सेस एक्सटेंशन का था। किसका था आपके पास? लोड वर्सेस एक्सटेंशन, ये देखें, इसको बोलते थे लोड एक्सटेंशन ग्राफ। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर मास है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है। आप जिस रेट से मास बढ़ाएंगे उसी रेट से आपके पास एक्सटेंशन बढ़ रही होगी, तो ग्रेडियंट जो होगा वो आपके पास लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन एंड ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या 1/2 स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ग्राफ बनेगा, ग्राफिक ग्रेडियंट होगा एक्सटेंशन अपॉन फोर्स, ये एक्सटेंशन अपॉन मास, फोर्स बराबर होती थी एमजी के, क्योंकि आपने वॉल्यूम से फॉर्मूला पढ़ा था लोड एक्सटेंशन ग्राफ का। एफ इज इक्वल्स टू के ई, फोर्स की जगह आ जाएगा एमजी, बराबर होगा के ई के, ताकि वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है, इसका मतलब बनेगा एमजी अपॉन के बराबर होगा एक्सटेंशन के, तो एक्सटेंशन बराबर होगा आपके पास किसके, मास तो कांस्टेंट है, तो मास आपके पास एक्स एक्सिस पे और जी अपॉन के, ये जी अपॉन के जो होगा इस ग्राफ का क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? एफ इज इक्वल टू के ही लिखा आपने, एफ का मतलब फोर्स, के का मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ई का मतलब एक्सटेंशन, फोर्स की जगह आपने एम जी डाल दिया, एम जी बराबर होगा के ई के, इसका मतलब बनेगा एम जी अपॉन के बराबर हो जाएगा एक्सटेंशन के। अब आप इसको कंपेयर कर लो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, आंसर आ जाएगा। राइट, अरे अब कॉपी कर ले, यहाँ तक कॉपी हो जाए मुझे बता दीजिएगा। बनाओ उसको, यहाँ तक बात समझ में आई? इसको बोलते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
जी कॉपी कर लिया यहाँ तक, अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया तो फिर ये बनाइए, ये आपके पास था थर्मिस्टर का ग्राफ, जिसमें भी लीनियर ग्राफ है, ये टेम्परेचर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है और रेजिस्टेंस आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टर ऑफ थर्मिस्टर विल डिक्रीज। अगर आपको ओरिविल्स याद है थर्मिस्टर का, ओरिविल्स में आपने थर्मिस्टर पढ़ा था, ग्राफ भले नहीं पढ़ा था मगर थर्मिस्टर का कॉन्सेप्ट भी आपके पास था। थर्मिस्टर की सिंबल कैसी होती थी कुछ याद है? थर्मिस्टर की सिंबल ऐसी होती थी, बनाओ और हो जाए तो बताना मुझे। बना लिया रिप्लाई करेंगे, बना लिया तो मैं आगे बोलूँ। जी कर लिया कॉपी, तो फिर मैं मूव करता हूँ कैलिब्रेशन कर सकते। यहाँ से आपके पास कैलिब्रेशन करवाना शुरू हो, ये आपके पास से कैलिब्रेशन करें। अब इस कैलिब्रेशन कर्व में हो क्या रहा है, ग्राफ देखें, पहले इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, उसके बाद ग्रेडियंट कांस्टेंट डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाता है, इसमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, राइट। इसका मतलब होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मगर शुरू में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा है और बाद में टेम्परेचर जो होगा वो कम रेट से चेंज हो रहा होगा। इसको बोलते थे कैलिब्रेशन कर्व। इसकी दो टाइप्स होती है, पहला ग्राफ कहलाता है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, दूसरा ग्राफ कहलाता है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो आप इन वैल्यूज को अगर देखते हो ग्राफ में, इसका मतलब होगा इट इज लेस सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? ये ग्राफ जो है वो टाइम की बड़ी वैल्यू के लिए कम सेंसिटिव है। तो अगर कोई भी ग्राफ टाइम की आपके पास वैल्यू के लिए लेस सेंसिटिव होगा लार्जर वैल्यू ऑफ टाइम,
इट इज लेस सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू, तो इट इज मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? जब टाइम का इंटरवल कम था, छोटा था, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा था, और जैसे जैसे टाइम का इंटरवल बढ़ता चला जाएगा ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा। उसका मतलब होगा दिस ग्राफ शोज लेस सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू। तो दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, इट इज मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू, बोथ आर एक्सेप्टेबल। क्योंकि ग्राफ का ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट ही नहीं है, शुरू में ग्रेडियंट कुछ और है, बाद में ग्रेडियंट कुछ और है। तो मतलब होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ग्रेडियंट डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये जब ग्राफ पैरेलल हो जाएगा एक्सिस के साथ तो ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट जीरो। दिस इज द ग्राफ ऑफ कैलिब्रेशन। तो इसके आगे एक बात लिखी हुई है मैंने कि दिस ग्राफ इज लेस सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू, तो स्मॉल तो मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? चलो बना लो आराम से। इस टाइप के ग्राफ पेपर में बहुत बने हुए हैं, एमसीक्यूज में भी दिखाता हूँ। इसके आगे एक वर्ड मैंने लिखी है, इट इज लेस सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? तो दूसरी बात है वो क्या लिख सकते हो इधर तुम? तो लिख सकते हो मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू। क्योंकि शुरू में अगर आप टाइम का इंटरवल देखते हो तो ग्रेडियंट में ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा चेंज आपके पास डिक्रीज होता चला जाएगा। और ये वक्त ऐसा आएगा कि टाइम तो बढ़ रहा होगा मगर टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? कांस्टेंट। डन। तो फिर ये ग्राफ बना, ये आपके पास कैलिब्रेशन का लास्ट ग्राफ है। दो टाइप के कैलिब्रेशन के ग्राफ आते हैं, एक आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ और एक आपके पास डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ। ये देखें, इसमें शुरू में आपके पास ग्रेडियंट में कम चेंज आ रहा है, मगर जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती चली जाएंगी एक्स एक्सिस की ग्रेडियंट में ज्यादा चेंज आ रहा होगा, इसको बोलते थे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इसमें आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर अच्छा सी एस एफ आर शो हो रहा है, क्वान्टिटीज डिफरेंट ले लेंगे। ये आपके सिलेबस क्वान्टिटी शेप पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? शेप। तो ग्राफ की शेप ऐसे होगी, और इसके आगे लिखेंगे क्या, इट इज मोर सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू, लेस सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू। इट इज मोर सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू एंड लेस सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू। जब वैल्यू छोटी है तो ग्रेडियंट में चेंज कम आ रहा है, मगर जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होने लगेगी ग्रेडियंट का चेंज बढ़ता चला जाएगा। And this graph is parallel to y-axis. ये वक्त ऐसा आएगा कि y-axis पर parallel हो जाएगी। इसको बोलते हैं more sensitive for larger value,
then sensitivity for smaller value. बनाए इसको और लिखे, तो मैंने अभी तक 4 ग्राम डिस्कस किए थे. एक था वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक था वन क्वांटिटी इंक्रीजेस सैटुरेशन डिक्रीजिंग. ये जो ग्राफ शो रहा है इसके अंदर मोर सेंसिटिव फॉर लार्जर वैल्यू, सो लेस सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यू. बनाओ चारों ग्राफ. ये ग्राफ नंबर 4 था. बना ले तो मैसेज करो. बना लिए चार ग्राफ, तो मैं उसके पास पर ये सवाल शेयर करता हूँ. ये बात समझ में आ रही है कि कौन सा ग्राफ जो होगा, ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा कि आपके पास डायरेक्ट है लीनियर ग्राफ है या कर्व ग्राफ. कर्व ग्राफ हमेशा कैलिब्रेशन को शो करेंगे. इसको शो करेंगे कैलिब्रेशन. बना लिए चारों ग्राफ, ये देखें ये था नंबर 1. मैं तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ. नंबर 1 है, इसको बोलते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ये नंबर 1 था. ये था नंबर 1. उसके बाद नंबर 2 ये था. ये था नंबर 2. ये दोनों ग्राफ जो है वो लीनियर प्रोपोर्शनल थे. उसके आपके पास लीनियर प्रोपोर्शनल. उसके बाद ये नंबर 2 होता. इसके था नंबर 2. ये नंबर 2 था. उसके बाद नंबर 3. ये नंबर 3 था. ये कैलिब्रेशन कर रहा है विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. मिलेगा आपके पास कैलिब्रेशन कर्व विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. लिख देता हूँ.
ये कहलाएगा कैलिब्रेशन टुगेदर विथ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। इसमें आपको पता चल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ये इसकी पिक्चर आ गई। एंड नंबर फोर्थ आपके पास ये रहा। ये भी कैलिब्रेशन है। नंबर फोर दिस इज नंबर फोर। अब मैं इसके पासवर्ड के सवाल शेयर करता हूँ आपके साथ। यह नंबर फोर तब उसके पास कोई जैसा ये देखिए पासवर्ड के सवाल शुरू कर देंगे। मैं कॉपी कर दूँ तुम्हारे ग्रुप के अंदर। आप जो कॉपी कर दें एस एस के अंदर व्हील्स वेट करें पेस्ट हो रहा है।
इतना टाइम नहीं लगता फेस के लिए। हाँ या आपके पास ग्राफ क्वेश्चन है जैसे दिखाते तो इलेक्ट्रिक उसके लिए सी आर ओ के ये क्वेश्चन है पहले एमसीक्यू नंबर 12 द डायग्राम शोज द ग्रेजुएशन ऑफ द करेक्टली कैलिब्रेशन एमीटर व्हेन द करंट इज जीरो द पॉइंटर इज एट जीरो जब करंट जीरो ये देखिए करंट जीरो था पॉइंटर भी जीरो पे था देन इट इज एक्सीडेंटली रीएडजस्ट सो दैट एंड द करंट इज जीरो द पॉइंटर इज नॉट एट द पॉइंट इज एट एक्स। एमसीक्यू नंबर 12 की बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं एमसीक्यू नंबर 12 की तो बाकी का सवाल यहाँ मिल जाएगा ये आ गया एमसीक्यू नंबर 12 जब आपने रीएडजस्ट किया तो आप पॉइंटर जो होगा वो आपके पास एक्स पे आ गया जब करंट जो था पॉइंटर जो था वो आपके पास इस पे आ गया एक्स पे। अब आपने बताया नहीं चार में से कौन सा ग्राफ इसका शो करेगा पहले तो मुझे बताया कि हो क्या रहा है एक्स से लेके वन तक ज्यादा बड़ा चेंज है वन से टू तक उससे कम चेंज है तो टू से थ्री तक चेंज कम होते जा रहा है उसका मतलब होगा इट इज मोर सेंसिटिव फॉर स्मॉलर वैल्यूज इसका मतलब बनेगा इनमें से कौन सा ग्राफ होगा ये चार ग्राफ है ए बी सी डी बताए कौन सा ग्राफ
क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा ए। ये देखें, क्या आंसर आ रहा है इसका? ए, बल्कि सी। नहीं क्लास, ए आंसर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब करंट जीरो था तो रीडिंग थी। सी में क्या हो रहा है कि आपके पास जब रीडिंग नहीं है तब भी करंट की वैल्यू है। एक्चुअली में जब करंट जीरो था तो रीडिंग थी, तो राइट आंसर बनेगा इसका ए। क्या आंसर बनेगा इसका? ए इज करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, वाला सवाल कैसे करें? एमसीक्यू नंबर 33। ये सीआरओ का नहीं है, जनरल फिजिक्स का सवाल, उसका सवाल नहीं है। कैलकुलेशन करना, रीडिंग नोट डाउन करनी है, कैसे करेंगे बताएं आंसर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ शोइंग ऑन दिस मल्टीमीटर? मल्टीमीटर की रीडिंग क्या शोइंग होगी? आंसर दिया आपने 3.4। 3.4 कह रहे हैं। मुझे अगर मैं इसको और बड़ा करूं तो देखिए, आपके पास ये बन जाएगा 2। अब 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिवीजन्स में कितना कवर हो रहा है? 2 से लेके 4 तक 2 कवर हो रहा है। एक डिवीजन में कवर हो रहा होगा 2/5। इसका मतलब बनेगा एक डिवीजन 2/5 के बराबर है, यानी कि 0.4 के बराबर है। इसका मतलब बन जाएगा 0.4। इसका मतलब बन जाएगा, ये हो जाएगा 2.4। इसको मैं और बाजू कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.8, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.6। इसके बीच में आ रहा है 3.4, करेक्ट आंसर सही है 3.4। यहाँ तक समझ में आया? यार जितना बड़ा गया था उतना बड़ा सही था। 2.4, 2.8, 3.2, 3.6 और उसके बीच में आएगा 3.4। आगे बात समझ में आता है? चलो कैलिब्रेशन के सवाल बहुत कम आते हैं, मगर आते हैं थोड़े बहुत। अब ये आ गए एमसीक्यू नंबर 71। 71 करते हैं, कैसे करेंगे? अरे अब करें 71। सेवेंटी वन का सवाल दिखा दूंगा, ये सवाल है 71 करो। अरे 2 मिनट दे दूंगा। सवाल है, अ कैलिब्रेशन ग्राफ इज प्रोड्यूस फॉर अ फॉल्टी एमीटर, व्हिच एमीटर रीडिंग विल बी द नियरेस्ट टू द करेक्ट वैल्यू। ये जो ग्राफ है फॉल्टी एमीटर, फॉल्टी एमीटर क्यों है? तो ग्राफ जो होगा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये देखो, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्टी। इसको फॉल्टी क्यों कह रहे हैं?
ग्राफ ऊपर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्टी। आप बताना विच ग्राफ विच एमीटर रीडिंग विल बी द नियरेस्ट टू द करेक्ट ग्राफ। यहां पे टू करंट है, यहां पे एमीटर की रीडिंग है। एमीटर का काम था करंट मेजर करना। अरे अब बताएं मुझे, जीरो पॉइंट एट एम्पियर फ्लैटली चल रहा है। अब देखें यहाँ पे बनेगा 0.2, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा ये बने मतलब बनेगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। यहाँ पे वन है तो ये कितने, 1, 2, 3, 4, ये भी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। जब इसका 2 इस पे कितना आ रहा है, 3.8 आ रहा है। जब ये 0.4 पे पहुंचा तो ये 0.6 पे आ गया, जब ये 0.6 पे पहुंचा तो ये 0.7 पे आ गया, जब ये 0.8 पे पहुंच रहा तो ये भी कितना पहुंच रहा। दिस इज द आंसर, तो ये एक्चुअल आंसर डी। आगे समझ में आता है, कॉपी कर लें इसको। ये 0.22 का गैप है तो आपने ट्रू वैल्यू मैच कर ली, तो 0.8 से 0.8 आ रहा है। वेरी गुड क्लास, रख के आज की क्लास यहीं तक। ये लास्ट में बारिश की वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं आ पाए, तो हो सकते लोड शेडिंग का मसला है। रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी। सही है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बस, ये आगे दूसरी क्लास। ओके।